हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नूज रेसिपीज। फ्रेंड्स, चॉकलेट खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, इसलिए आज मैं चॉकलेट बनाने का एक ऐसा तरीका लेकर के आई हूं जिसमें कि हमको किसी मोल्ड की जरूरत नहीं है और हम चाहे उस शेप की चॉकलेट बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चॉकलेट बना मैंने यहाँ पर कंपाउंड चॉकलेट लिया, यानी डार्क कंपाउंड लिया है और व्हाइट कंपाउंड लिया है। तो आप चाहे तो मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। यहाँ पर मैं डबल बॉइलिंग मेथड से चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ, यानी कि मैंने एक बाउल में अच्छे से पानी को बॉईल कर लिया है, गैस को अब ऑफ कर दिया है और एक दूसरे बाउल में हमने कंपाउंड चॉकलेट को डाल दिया है और अब धीरे धीरे इसको मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डिज़ाइन बना करके रखे हैं। तो मैं आज हार्ट शेप की चॉकलेट बना करके तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि नीचे बटर पेपर लिया है, उसके ऊपर मैंने डिज़ाइन बना लिया है। तो जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप वो डिज़ाइन उसमें बना लें पहले। उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है और उसको अच्छी तरह से चिपका लिया है, यानी चारों तरफ से मैंने टेप से उसको अच्छे से कवर कर दिया है ताकि वो हिले नहीं। और इसके बाद में हम अपनी चॉकलेट बनाकर तैयार करेंगे। तो काफ़ी लोग तो वीडियो को अभी छोड़ देंगे, उनको लगेगा कि बस अभी इस पर हम चॉकलेट डालेंगे और हमारी चॉकलेट तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चॉकलेट जो मैंने मेल्ट की थी उसको मैंने एक प्लास्टिक बैग में, यानी कि जो पाइपिंग बैग होता है उसमें मैंने फिल कर लिया है और अब हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम चॉकलेट को बड़े ही ध्यान से जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसको कवर करेंगे अच्छी तरीके से। चॉकलेट को हमें बिल्कुल एकदम गर्म नहीं लेना है, हल्का सा ठंडा होने पर लेना है जिससे कि वो जो अपनी शेप है उसको होल्ड कर सके। अगर ज़्यादा गर्म गर्म हम चॉकलेट इस पर पोर करेंगे ना तो वो अपनी शेप को होल्ड नहीं कर पाएगी। तो आप चॉकलेट को हल्का सा ठंडा कर लें और उसके बाद में अपने डिज़ाइन को कवर करें। तो मैंने अपने सारे डिजाइन को कवर कर लिया है और अब ये ठंडे भी हो चुके हैं। ठंडा करने के बाद में हमको बहुत ही सावधानी से इनको निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से निकाल लेंगे और इनको हमें पलट लेना है। इसके बाद हम आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। तो अब हम अपने डिजाइन को उल्टा कर लेंगे, यानी कि पलट लेंगे उनको, और अब हम इनके ऊपर भी डिजाइन बनाएंगे। तो चॉकलेट को हम ऊपर की साइड पे पोर करेंगे, इससे क्या होगा कि जो दोनों साइड से जो हमारा डिजाइन है ना वो उभरा हुआ दिखेगा। आप चाहे तो एक ही साइड पर इसको पोर करते हुए इसकी जो मोटाई है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी जितना मोटा आपको चॉकलेट चाहिए, जितना थिक आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, उस तरीके की आप चॉकलेट इसमें बना सकते हैं। एक लेयर, दो लेयर, तीन, चार, जितने भी लेयर आप चाहे इसमें बना सकते हैं। दोनों तरफ से करेंगे तो हमारा जो चॉकलेट है वो दोनों तरफ से उभरा हुआ दिखेगा, और एक तरफ से करेंगे तो हमारा चॉकलेट एक तरफ से फ्लैट दिखेगा और एक तरफ से वो उभरा हुआ दिखेगा। तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह की चॉकलेट बनाना चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल आगे की तरफ ही सारी लेयर्स बना सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर सिर्फ दो लेयर बना रही हूँ, एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड। आप चाहें तो इसमें और भी लेयर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लेयर बना करके इनको सुखा लेंगे अच्छी तरीके से। तो हम सारी चॉकलेट्स को इस तरह से डबल लेयर कर रहे हैं और उसके बाद में हम इनको सुखा लेंगे और हमारी चॉकलेट्स बनकर के तैयार हो जाएंगी। तो आप इसी तरीके से और भी शेप बना सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो, और आप इसकी दो तीन लेयर, जितनी भी लेयर आप बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं, और जितनी आप लेयर बनाएंगे उतनी ही थिक चॉकलेट आपकी बनकर तैयार होगी। तो आपको जैसी चॉकलेट पसंद हो या फिर जिसको आपको गिफ्ट देनी हो उसको जैसी चॉकलेट पसंद हो आप उस तरीके की बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चॉकलेट बन करके तैयार है एकदम आसान तरीके से, कोई हमें मोल्ड की जरूरत नहीं थी, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। और आप इस तरीके से किसी भी शेप की चॉकलेट बना सकते हैं, उतनी ही टेस्टी बनेंगी। मैंने यहाँ पर जो चॉकलेट बनाई है वो डार्क कंपाउंड से बनाई है, यानी कंपाउंड चॉकलेट से बनाई है। आप चाहें तो मैंने और भी जो चॉकलेट के रेसिपीज शेयर की हुई है आप उस तरीके से भी सेम शेप की चॉकलेट्स बना सकते हैं। तो आप वो प्रोसेसिंग यूज कर सकते हैं या फिर आप कंपाउंड से भी बना सकते हैं। तो इससे जो चॉकलेट बनेगी बहुत टेस्टी है, बहुत ईजी तरीका है, और हमें अब महंगे महंगे जो मोल्ड्स आते हैं उनको खरीदने की जरूरत नहीं है। अलग अलग शेप की चॉकलेट के लिए अलग अलग मोल्ड लाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और इस तरीके की एक बार चॉकलेट आप जरूर बनाइएगा।
अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।